us our money! Do you have my bag? Always, Dutch. They'll probably hang you, buddy. You coming, buddy? आज की वीडियो में मैं बात करूंगा इस यूनिवर्स की अब तक की सबसे बड़ी गेम के बारे में, कैसे रॉकस्टार ने एक पूरी कम्युनिटी को खत्म कर दिया। तो कहानी शुरू होती है एक ट्वीट से। आरडीआर 2 के अनाउंस होने के दो दिन पहले रॉकस्टार आरडीआर 2 से रिलेटेड एक ट्वीट करता है और इसके अगले 10 मिनट में 10,000 से ज्यादा लोग इस ट्वीट को रीट्वीट करते हैं। ये फोटो कई सारे रिकॉर्ड तोड़ देती है। एक पोस्ट पूरी दुनिया की गेमिंग कम्युनिटी को हिला कर रख देती है। अगले कुछ पलों में टेक टू इंटरएक्टिव के स्टॉक प्राइस 6% से ज्यादा इंक्रीज हो गए थे। सिर्फ इस एक गेम को बनाने के लिए 3,000 लोगों ने इस पर काम किया था। इस एक गेम ने कई सारे रिकॉर्ड तोड़े और कई सारे नए रिकॉर्ड बनाए। Bad license. Beating the man for a few bucks. That's all I am. A fighter. A killer. Crazy man. जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे आरडीआर 2 की हाइप भी बढ़ रही थी। लोग आरडीआर 2 घंटों खेल रहे थे। सिर्फ स्टोरी लाइन नहीं, उसके साइड मिशन तक को लोग पूरा कर रहे थे। आरडीआर 2 बेस्ट सेलिंग गेम बन चुका था और हर साल उसकी सेल बढ़ती जा रही थी। फिर आता है वो दिन जब रॉकस्टार अनाउंस करता है आरडीआर ऑनलाइन। मानो एक हलचल मच गई हो गेमिंग कम्युनिटी में, क्योंकि इस अनाउंसमेंट के बाद हर कोई हद से ज्यादा खुश था। आरडीआर ऑनलाइन अपने पहले साल में $1.63 billion का रिवेन्यू जनरेट करता है। रॉकस्टार ने अपनी कंपनी तक को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया था, रॉकस्टार नॉर्थ और रॉकस्टार सैन डिएगो। रॉकस्टार नॉर्थ का काम था GTA को हैंडल करना और रॉकस्टार सैन डिएगो का काम था RDR को हैंडल करना। फिर आता है वो साल जिसमें गेमर्स एक कैंपिंग रन करते हैं #SaveRedDeadOnline। पर ऐसा क्यों, आखिर ऐसा क्या हुआ 2018 और 2022 के बीच में कि गेमर्स को अपनी फेवरेट गेम को बचाने के लिए एक # कैंपिंग रन करना पड़ा। सब कुछ जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। 400 सब्सक्राइबर के हम बहुत करीब हैं। वीडियो को पूरा देखना, अपना ओपिनियन जरूर बताना कमेंट में। आरडीआर 2 की ग्रैंड सक्सेस के बाद रॉकस्टार आरडीआर ऑनलाइन का बेटा वर्जन रिलीज करता है। गेमर्स काफी एक्साइटेड थे आरडीआर ऑनलाइन के लिए। एक साल बाद रॉकस्टार आरडीआर का फुल फ्लैश वर्जन रिलीज करता है, बेहतर ग्राफिक्स, स्मूथ गेम प्ले और एक नए मोड के साथ। अब प्लेयर्स को मिली इसके अंदर एक नई कहानी, एक नया तरीका अपने आप को ग्राइंड करने का। इसमें तुम एक बाउंटी हंटर का रोल प्ले कर सकते हो, जिसमें तुम्हें क्रिमिनल्स को पकड़ने जाना होगा। अकेले जाओ या अपने दोस्तों को साथ ले जाओ। अगर तुम उस क्रिमिनल को सही सलामत अरेस्ट कर पुलिस को सौंपते हो तो तुम्हें रिवॉर्ड्स मिलते हैं। लेकिन अगर तुम्हारे से वो क्रिमिनल मर जाता है या किसी भी रीजन की वजह से वो क्रिमिनल की मौत हो जाती है तो तुम्हें उसके रिवॉर्ड्स आधे मिलेंगे। ये कॉन्सेप्ट लोगों को बहुत पसंद आया और लोग काफी घंटे इसमें देने लगे। फिर कुछ टाइम बाद रॉकस्टार एक और बड़ा अपडेट देता है। ये अपडेट मानो गेमर्स के लिए तोहफा था, क्योंकि रॉकस्टार ने इसे क्रिसमस के समय पर रिलीज किया था। इसमें तुम एक बिजनेसमैन का रोल प्ले करोगे, जिसके अंदर तुम्हें एक प्रॉपर्टी खरीदनी होगी, काफी सारे इंग्रेडिएंट्स ढूंढने होंगे जो तुम्हारी मदद करेंगे शराब बनाने में। इसमें तुम्हें अपने बिजनेस को लेकर मार्केटिंग करनी होगी और अपने माल को बेचना होगा। पर ध्यान से, ये सब इतना आसान नहीं होने वाला। फिर रॉकस्टार एक और बड़ा अपडेट देता है। इस मोड के बाद तुम मजबूर हो जाते हो मैप को एक्सप्लोर करने के लिए। इसमें तुम एक हंटर का रोल अदा कर रहे होते हो। अब तुम्हारा काम है अपना शिकार ढूंढना और उसे मारना। पर ध्यान से, उसे ज्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा नुकसान होगा शिकार को उतना ही कम रिवॉर्ड मिलेगा तुम्हें। और कई लोग कहते हैं कि ये आखिरी सबसे बड़ा अपडेट था। इसके बाद भी कुछ अपडेट आए थे, जैसे हेलोवीन अपडेट और भी कुछ ऐसे अपडेट, पर वो कुछ ज्यादा खास नहीं थे। फिर कुछ समय बाद आता एक और अच्छा अपडेट, ब्लड मनी, जो कुछ नए मिशंस को ऐड करता है, पर वो ज्यादा बड़ा नहीं होता। और गेम में कुछ और मोड थे, जैसे कि ट्रेडर मोड और कलेक्टर मोड। ट्रेडर मोड में भी आपको हंटिंग करनी होगी, पर इसमें तुम किसी भी एनिमल की हंटिंग कर सकते हो। उसके अलावा तुम उस एनिमल को मारकर अपने प्लेन में लेके जाओगे, उसके बाद वहां पर तुम उससे प्रोडक्ट बनाओगे, लाइक शूज, बेल्ट, लेदर के कॉट्स वगैरह, और फिर तुम उन्हें बेचोगे। अब इसके बाद आरडीआर में आखिरी मोड बचता है, जिसका नाम था कलेक्टर मोड। इसके अंदर तुम्हें काफी
सारी चीजें कलेक्ट करनी होती थी, जैसे फॉसिल्स होते हैं या तुम्हारे समय से काफी पुरानी चीजें जिसकी वैल्यू काफी ज्यादा मिले, उन चीजों को इकट्ठा कर तुम्हें बेचना होता था। इसमें ज्यादा कुछ खास था नहीं। उसके बाद गेमर्स इंतजार कर रहे थे RDR के नेक्स्ट बड़े अपडेट का, जो कि कभी नहीं आया। आखिर में थकाकर गेमर्स ने कैंपिंग रन किया जो था #SaveRedDeadRedemptionOnline, और ये कैंपिंग इतना सक्सेसफुली काम किया कि रॉकस्टार को खुद ऑफिशियली सामने आकर अनाउंस करना पड़ा कि वो RDR ऑनलाइन का कोई भी बड़ा अपडेट नहीं लाने वाले, उनका पूरा फोकस रहने वाला है GTA के नेक्स्ट पार्ट के लिए। इस अनाउंसमेंट के बाद रॉकस्टार को काफी सारे गेमर्स ने क्रिटिसाइज करा, और उसके बाद लोगों ने RDR का फ्यूनरल बनाया जो कि बता रहा था कि लोग कितने ज्यादा इमोशनली कनेक्ट हो गए थे इस गेम से, और इस तरह से होता है एक लेजेंडरी गेम का अंत। अब इन चीजों के बारे में तुम्हारा क्या ओपिनियन है तुम नीचे कमेंट में दे सकते हो, और इस चीज को लेकर मेरा क्या ओपिनियन है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो, रॉकस्टार एक कंपनी है और हर कंपनी का मोटिव होता है कम पैसे लगा के ज्यादा प्रॉफिट कमाना। तो देखो, मेरे हिसाब से RDR को डिस्कनेक्ट करने का रीजन यही था कि उसमें अगर उन्हें अपडेट देना था तो ज्यादा टाइम भी लगाना पड़ता और पैसे भी। जबकि अगर बात करूँ GTA 5 की तो उसके अंदर ना तो इतना टाइम लगता है उनका और ना ही इतने पैसे लगते हैं, क्योंकि RDR काफी डिटेल्ड गेम है और उसमें हर छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन बात करें GTA की तो इतना डिटेल्ड गेम नहीं है, और अभी तो कितना ही टाइम बीत गया GTA के अंदर कोई दूसरा अपडेट आया हुआ है, अभी तक कोई अपडेट नहीं आया, लेकिन फिर भी GTA की कम्युनिटी एकदम शांत है और वो अपना गेम इंजॉय कर रही है। क्यों? क्योंकि वो सेम मिशंस को करते हुए कभी बोर नहीं होते हैं। उनके पास और दूसरे सर्वर्स हैं, जैसे RP सर्वर है। GTA का ऑफिशियली जो ऑनलाइन वर्जन है वो इतना पॉपुलर नहीं है जितना अदर सर्वर ज्यादा पॉपुलर है, और GTA की कम्युनिटी कभी भी रॉकस्टार को परेशान नहीं करती कि हमें नया अपडेट दो, नई लोकेशन दो। लेकिन RDR की कम्युनिटी ऐसा नहीं थी, उन्हें कुछ ना कुछ चाहिए था, एक नई लोकेशन चाहिए थी, नए मिशन चाहिए थे, और वो सब वेल डिटेल्ड होने चाहिए थे, और शायद यही वजह है कि रॉकस्टार ने इस गेम को बंद कर दिया मेरे हिसाब से, अगर मैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो। लेकिन अगर मैं तुम्हें पॉइंट ऑफ व्यू दूं एज अ गेमर, तो मेरे हिसाब से RDR जैसा गेम कभी बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक रिवॉल्यूशन लेकर आया है गेमिंग इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं। लेकिन कहते हैं ना कि एक अच्छी चीज की शुरुआत भी होती है और उसका अंत भी होता है, तो वही चीज हुई RDR के साथ। पर क्या पता फ्यूचर के अंदर हमें कुछ देखने को मिले रॉकस्टार की तरफ से, वैसे लगता नहीं है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि GTA 6 आने के बाद वो एक बार फिर से RDR पे ध्यान दें, और अगर ना भी दें तो इन फ्यूचर क्या पता कोई बंदा RDR को लेकर भी एक सर्वर बनाए। पर हाँ, जो भी है, एक सच कभी नहीं बदलेगा कि RDR जैसी गेम अभी तक कोई नहीं आई। इस बारे में तुम्हारा क्या ओपिनियन रहेगा नीचे कमेंट में मुझे बताना मत भूलना, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और इस तरह की रिलेटेड वीडियोस देखनी है तो राइट साइड में जो वीडियो आ रही है वो तुम्हें बताएगी कि गेम लॉफ्ट ने गैंगस्टर वेगास जैसी गेम्स बनाना क्यों बंद कर दी, और लेफ्ट साइड में जो वीडियोस आ रही है उसे क्लिक करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें मरने से पहले कौन सी गेम्स है जो खेल लेनी चाहिए। मैं मिलता हूँ तुम्हें उन्हीं वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सायो नारा।